जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर एंजॉय कर सकें तो हालांकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार ये तरह आपको इस बार भी सिनेमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट ही देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है कि पहले सीज़न के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए जा आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीजन की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीजन है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा डस्ट किया है इस बार फरना अख्तर मार्वल सिनेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर क्या फाइगी की महिला किरदारों के, के प्रति हाल के बरसों में बने सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्जापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सभी साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बई प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरी तीसरे सीजन के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुकना मकना गिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालांकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरो के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गजब का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बिग चार में उतरने जैसा होता है सो के गति धीमे हैं और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो सो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समांतर जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य हो गई जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहाँ पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्रामा अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है वैसे कि यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो आशाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खूब खराब है यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी ब्रटल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर आप इंजॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड है और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीनेमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं, अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट ही देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है कि पहले सीज़न के अंदर और दूसरे सीजन के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो वो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा निरस किया है इस बार फरण अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्जापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरी तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुकना मकना है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हाल हालांकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गजब का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्सिको कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो के गति धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान तुम कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम आपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है वैसे कि यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खोल खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसे लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड है और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालांकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रशिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो वो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों Amazon प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा डस किया है इस बार हर अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के, के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खास से प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्जापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को भई प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीजन के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्ना मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज का जो तीसरा सीजन है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालांकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात ये है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो बजअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो के गति धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेजी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्रामा अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेजी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक तो इस बार कम देखने को मिली है खूब खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इंजॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालांकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीनेमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली देख इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट ही देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों Amazon प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को, को सबसे ज़्यादा इंटरस्ट किया है इस बार फरना अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी किन महिला किरदारों के, के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को भईमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्नागिन मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हाल ही के दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गजअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्सिको कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो की गति तो धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक तो इस बार कम देखने को मिली है खूब ख़राब है यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बटल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड है और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार के अंदर आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हरसिता गौर इसलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा ड है इस बार फरना अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सबे साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त मुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरी तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुकना मकना है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीजन है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हाल हालांकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरू के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो बजअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्सिको कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो के गति धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान तरह जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम आपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है वैसे कि यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खोल खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसे लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालांकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली देख इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा निर्स किया है इस बार और अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खास से प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्जापुर का तीसरा सीजन आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफे साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को भई प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म के टक्कर से संघर्ष करने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीजन के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्ना मकना है वो देने के प्रसंग से सीरीज का जो तीसरा सीजन है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हाल ही के दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरो के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो बसअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो के गति धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान तुम कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेजी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्रामा अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेजी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खोल खराब है यहाँ पर एक नए पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्जापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इंजॉय जरूर करिए ये सीरीज आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रशिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली देख इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट ही देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है कि पहले सीज़न के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो वो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे इन्जॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों Amazon प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा इंटरस्ट किया है इस बार फरना अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी किन महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्नागिन मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालाँकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात ये है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गजप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्सिको कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो के गति धीमे हैं और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो छो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समांतर जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलजस भी आपको काफ़ी हद तक तो इस बार कम देखने को मिली है खूब खराब है यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड है और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीज़न के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा निर्स किया है इस बार कौर अख्तर मारवल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के, के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्जापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं और उत्तर प्रदेश को बई प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरी तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्नागिन मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालांकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि शरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गजब का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्सिको कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो की गति धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो छः एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असि मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खूब खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्जापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी ब्रटल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालांकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रशिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट ही देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का एक इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है कि पहले सीज़न के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो वो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा निरस किया है इस बार और अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सपे साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म के टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीजन के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्ना मकना है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालाँकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरो के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गशअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह भी चार में उतरने जैसा होता है शो की गति तो धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो छो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेजी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो आशाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खोल खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बटल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालांकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरफ आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों Amazon प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा डस्ट किया है इस बार फरना अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सबसे साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्ना मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालाँकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात ये है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गजब का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो के गति धीमे हैं और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो छो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समांतर जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम आपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है वैसे कि यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलजस भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खूब खराब है यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी ब्रटल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इंजॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड है और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैजल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हरसिता गौर इसलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा निस्स किया है इस बार हरना अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्जापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बई प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरी तीसरे सीजन के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्ना मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालांकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि शरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गजब का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो के गति धीमे है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो छो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा अस मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेजी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्रामा अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेजी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमैक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खोल खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी ब्रटल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट ही देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है कि पहले सीज़न के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को, को सबसे ज़्यादा डस्ट किया है इस बार और अख्तर मारवल सिनेमेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर केविन फाइगी की महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त मुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीजन के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्ना मकना है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीजन है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हाल हालाँकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरू के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गशअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बिग चार में उतरने जैसा होता है शो के गति धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो छो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समांतर जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असित मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एन तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्रामा अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो आशाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खूब खराब है यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड है और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार के अंदर आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों Amazon प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को, को सबसे ज़्यादा निर्स किया है इस बार फरण अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के, के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुकना मकना है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हाल हालाँकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि शरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गजब का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्सिको कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो की गति तो धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल है और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम आपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है वैसे कि यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलस भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खोल खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालांकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार ये तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीज़न के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो वो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा निस्ट किया है इस बार और अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के, के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खास प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्जापुर का तीसरा सीजन आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफे साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरी तीसरे सीजन के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्नागिन मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालांकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो बजप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो के गति तो धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो छो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत में एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेजी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एन तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्रामा अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेजी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमैक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खोल खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्जापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी ब्रटल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इंजॉय ज़रूर करिए ये सीरीज आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रशिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट ही देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो वो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता रिक है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा डस्ट किया है इस बार और अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर केविन फाइगी किन महिला किरदारों के, के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीजन के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्ना मकना गिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीजन है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालाँकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गशप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्सिको कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो के गति तो धीमे हैं और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत में एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एन तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलस भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खूब खराब है यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बटल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय जरूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड है और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार यदर आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा इसलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीज़न के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता रिक है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को, को सबसे ज़्यादा निर्स किया है इस बार फरना अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के, के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरी तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुकना मकना है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीजन है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालाँकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो बजअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्सिको कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो की गति तो धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो छो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेजी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खून खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्जापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालांकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को, को सबसे ज़्यादा निर्स किया है इस बार और अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सपे साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को भई प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म के टक्कर से संघर्ष करने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीजन के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्नागिन मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हाल ही के दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो बसअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो के गति धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझे और आपस में जुड़ी रहती है और समान तरह जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असित मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेजी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्रामा अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेजी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खूब खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली देख इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को, को सबसे ज़्यादा इंडस्ट किया है इस बार फरना अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्नागिन मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हाल ही के दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गजप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्सिको कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो के गति धीमे हैं और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो छो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समांतर जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक तो इस बार कम देखने को मिली है खूब खराब है यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी ब्रटल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड है और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा निर्स किया है इस बार कौर अख्तर मारवल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी किन महिला किरदारों के, के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्जापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं और उत्तर प्रदेश को भई प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म के टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरी तीसरे सीजन के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्नागिन मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीजन है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालांकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गजब का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो की गति धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो छः एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समांतर जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असित मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एन तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेजी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खूब खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्जापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इंजॉय जरूर करिए ये सीरीज आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकें तो हालांकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट ही देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है कि पहले सीज़न के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो वो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को, को सबसे ज़्यादा डस्ट किया है इस बार और अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के, के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को भई प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीजन के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्ना मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज का जो तीसरा सीजन है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालाँकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गशअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह भी चार में उतरने जैसा होता है शो की गति तो धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो छो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल है और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्रामा अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेजी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमैक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो आशाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक तो इस बार कम देखने को मिली है खोल खराबा यहाँ पर एक नए बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक इस की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीनेमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीज़न के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों Amazon प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा निर्स किया है इस बार फरना अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी किन महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्ना मकना है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हाल ही के दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गजब का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो के गति धीमे हैं और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समांतर जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहाँ पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम आपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है वैसे कि यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खोल खराब है यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी ब्रटल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इंजॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड है और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैजल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर इसलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीज़न के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा निर्स किया है इस बार हरना अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खास प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्जापुर का तीसरा सीजन आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सपे साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया कि अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरी तीसरे सीजन के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुकना मकना है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालांकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि शरू के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गजअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो की गति धीमे है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो छो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समांतर जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेजी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्रामा अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेजी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमैक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खोल खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी ब्रटल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर इस तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट ही देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है कि पहले सीज़न के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा डस्ट किया है इस बार और अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर केविन फाइगी की महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संदर्श करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीजन के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्ना मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीजन है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हाल हालाँकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गशअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो की गति धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो आशाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है कौन खराब है यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी ब्रटल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड है और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार के अंदर आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हरसिता गौर इसलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीज़न के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा ड है इस बार और अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सबसे साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त मुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरी तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुकना मकना है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हाल हालाँकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरू के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गजअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्सिको कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बीग चार में उतरने जैसा होता है शो के गति धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान तरह जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत में एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम आपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है वैसे कि यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खोल खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इंजॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड है और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालांकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली देख इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो वो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों Amazon प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को, को सबसे ज़्यादा डस्ट किया है इस बार हर अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के, के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खास से प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्जापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सपे साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्नागिन मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालांकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो बजअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो की गति तो धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समान जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत में एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेजी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्रामा अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेजी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमैक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खोल खराबा यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड हैं और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार की तरह आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिकअप होता रिक है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों Amazon प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा इंट किया है इस बार फाराण अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के, के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरे तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्नागिन मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालाँकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरों के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो गशअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्सिको कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बीग चार में उतरने जैसा होता है शो के गति तो धीमे हैं और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझे और आपस में जुड़ी रहती है और समान तरह जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत में एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एन तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलस भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खूब खराब है यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बटल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय जरूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों जिस सीरीज़ का वेट आप सभी लोगों ने काफ़ी समय से किया था और अब दोस्तों फाइनली वो सीरीज़ आ चुकी है जी हाँ आज हम एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये सीरीज़ आपको मिलेंगी साथ ही में इसके कितने एपिसोड है और इस बार आपको क्या नया देखने को मिला है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी इस कमाल की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोग थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी के अंदर इन्जॉय कर सकें तो हालाँकि अगर दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो अभी तक की इसकी जो रिव्यू मिक्स आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो सीज़न आया है वो ठीक है तो यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो अभी तक की जो रेटिंग वो दस में से साढ़े आठ की रही है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे जो है नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक किया हुआ है यहाँ पर हर बार यहाँ आपको इस बार भी सीमाटोग्राफी संजय कपूर की देखने को मिलती है वहीं अगर कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी हैं अली फैज़ल हैं रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी हर्षिता गौर ईसा तलवार आपको यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिलते हैं सभी का काम वैसे काफ़ी अच्छा है जो आपको निराश नहीं करेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको थ्रिल देखने को मिलता है क्राइम देखने को मिलता है अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे देखिए इससे पहले आप लोगों ने अगर सीज़न वन और सीज़न टू नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है वो सीज़न थ्री की जो कहानी है वो समझने में आसानी रहे क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट देखने जाएंगे सीज़न थ्री को तो फिर हो सकता है कि आपको कहानी समझ ना आए लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हमें एक छोटा सा दस मिनट का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ दिखा जाता है कि पहले सीजन के अंदर और दूसरे सीज़न के अंदर क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब एक रिक रिकअप होता रिक है जहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टोरी आपको इस बार क्या देखने को मिली है कौन नए कास्ट यहाँ पर इस बार ऐड हुए हैं ये सब कुछ हम जानते हैं और इससे पहले अगर आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी और रही बात दोस्तों इसके अगले सीज़न की तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इस बार देखने को मिलता है तो वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर है उसका जो तीसरा सीज़न है इनकी कहानी अपने जो पिछले दो सीज़न है इनसे प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा निर्स किया है इस बार कौर अख्तर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने के साथ ही लगता है कि मुखिया यहाँ पर कैबिन फाइगी की महिला किरदारों के, के प्रति हाल के बरसों में बनी सहानुभूति से वो खासे प्रभावित हुए हैं और इस बार वेब सीरीज़ के अंदर मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न आपको इसलिए उन्होंने सीरीज़ की जो महिला किरदार है उनके नाम कर दिए हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी माधुरी यादव फिर से सफ़े साड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश को बहिमुक्त प्रदेश बनाने और हर जुल्म जुल्म की टक्कर से संघर्ष करने रहने के नारे के साथ अब इनके नए तेवर भी हैं यहाँ से बता चले तो मुन्ना भैया की अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुके हैं और दूसरी तीसरे सीज़न के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है शुरुआत के अंदर आपको उनके बारे में दिखाया जाता है और उनका जो मुक्नागिन मुक्नागिन है वो देने के प्रसंग से सीरीज़ का जो तीसरा सीज़न है वो इनकी जो यहाँ पर दिशा है वो निर्धारित होती है हालांकि दोस्तों सबको जो है अलग अलग तरह की सीरीज़ अच्छी लगती है अलग अलग तरह का मतलब एक्शन पसंद होता है तो यहाँ पर जो है इस सीरीज़ के अंदर भी आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है एक अच्छी बात यह है कि सरो के एपिसोड आपको थोड़े बहुत बोर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो बसअप का है जो लास्ट के जो कुछ मिनट बचेंगे वो देखने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगेगा शो में कोई व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर को मैक्स को कहता है और सब आपको पता चलता है कि आप क्या साइन किया है और वो कॉलेज के छात्र का प्लेसमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें गुड्डू भैया की जो फैक्ट्री है उनके अंदर बंदूक बनाने के लिए रखा जाता है और अब यह बी चार में उतरने जैसा होता है शो के गति तो धीमी है और बिल्डअप काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है उसमें और पहले जो शो एपिसोड होते हैं इसके अंदर चीज़ें बिना किसी ड्रामा के उलझी और आपस में जुड़ी रहती है और समांतर जो कहानियाँ विकसित होती हैं और यही बात इसे थोड़ा असिट मतलब थोड़ा अलग बनाती है और ऐसे में कहीं पल हैं और कहीं दृश्य होगी जो आपको आवश्यक समझाएंगे लेकिन शो का जो श्रेय है इनके लिए आकृत एपिसोड ऐसे है जहां पर ड्रामा बढ़ता है और चीज़ें जो तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं जो आपको मतलब एंड तक बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रखता है जिससे शो का सार जीवित रहता है ड्राम अपने चरम पर होता है और चीज़ें यहाँ पर तेजी से बढ़ती हैं जिसमें आप पूरी तरह से जुड़ पाते हैं तो इसका क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है बेसिक यहाँ पर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा लेकिन ये आ रहा है और ये पहले ही जो असाजनक है और एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल सही है गाले गुलज भी आपको काफ़ी हद तक इस बार कम देखने को मिली है खूब खराब है यहाँ पर एक नए स्तर पर बढ़ गया है और निश्चित रूप से अधिक पात्रों को पेश किया गया है और हटाया जा रहा है तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो किरदार है मिर्ज़ापुर के सभी बढ़िया है एक्शन बहुत बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफ़ी बडल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज़ को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इन्जॉय ज़रूर करिए ये सीरीज़ आपको फिर कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों